ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, विच इज हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी स्पेसिफिक नीश की बात, अगर हम बात कर लें अमेजोन की कर लें या ओवरऑल फ्रीलांसिंग की बात कर लें, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंग्लिश के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, या फिर आप ये कह लें कि आपको बेसिक इंग्लिश जो है उसकी नो हाउ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लिखना किस तरीके से है और बात किस तरीके से करनी है, क्योंकि ये इस फील्ड की एक मेन डिमांड है। ठीक है, हर फील्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें से अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, तो इसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अब देखें, दो के उर्दू जो है वो हमारी मादरी जबान है, हम सबको पता है, और हमें इसको प्रमोट भी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए यानी यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि दुनिया के हर मुल्क में बोली जाती है, और आप उसके थ्रू जो है वो अपना मैसेज इजीली कन्वे कर सकते हैं। सिमिलरली, जब हम यहाँ पे अमेजोन की बात करते हैं या फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान तक या अपनी जैसे जबान बोलने वाले लोगों तक महदूद नहीं है। हर इंसान की कोशिश होती है कि जब वो काम कर रहा है फ्रीलांसिंग किसी भी फील्ड में, है वो वेबसाइट है, वो शॉपिफाई है, वो ईबे है, वॉलमार्ट है, अमेजोन है, व्हाटएवर जो भी फील्ड है, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम करूं। तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो है वो अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी बेसिक इंग्लिश, या कह लें कि बेसिक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ठीक होना चाहिए। सही है, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को कि वो बहुत ज्यादा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी चीजों में पीछे रह जाते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या उनके अंदर पहले से ही उन्होंने एक माइंड बनाया हुआ कि शायद हम ये काम कर ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले तो कुछ मिसकंसेप्शन है जो मैं आपके दूर करूंगी, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो है इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना होता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसको एक सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के तौर पे समझें। ठीक है, हमारे मुल्क में या हमारे माशरे में, स्पेशली हमारे माशरे में कह लें, या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पे लोगों को उनकी नॉलेज को अगर किसी ने जज करना होता है, तो लोग उसको ये देखते होते हैं कि किसी की अंग्रेजी कितनी ज्यादा अच्छी है। जबकि आप दूसरे ममालिक देखें, तुर्की देख लें, ठीक है, इसके अलावा चाइना देख लें, जापान देख लें, इन लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं है। ये लोग अपनी ही जापान में बात कर रहे होते हैं, और वहां पे कोई भी किसी को हकीर नहीं समझता कि इसको जो है वो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। लेकिन अब यहाँ पे हम उनका मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना एक नाम ऑलरेडी बनाया हुआ है, और कहीं पे भी वो अगर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख रहे, तो इस वजह से वो कहीं पीछे भी नहीं रह रहे हैं। ठीक है, उनके पास ऑल्टरनेटिव बहुत ज्यादा है, उनके पास ट्रांसलेटर्स हैं, सब कुछ है कि वो उस चीज की वजह से पीछे नहीं रह पा रहे। ठीक है, वो खुद से इतने डेवलप्ड है। लेकिन हम लोग बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री भी, और बाकी भी अगर हम अपने इर्द गिर्द का लाइफ स्टाइल देखें या जिस तरीके से हम लोगों की शुरू से अपब्रिंगिंग होती है, तो हम लोगों को इंग्लिश को भी एज अ लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहिए भी, और हमारे लिए जरूरी भी है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव है कि हम जो है वो किसी को जज करते हैं कि उसकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। भाई, जब हम अंग्रेज हैं ही नहीं, ना ही ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी मादरी जबान उर्दू है, तो हम इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप है, ना हमने होना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक लैंग्वेज के होते हुए जितनी एक जबान आनी चाहिए उतनी आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, अगर आप इस फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुमने इसकी इम्पोर्टेंस पे बात कर ली कि अंग्रेजी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग। तो इस फील्ड में अगर आप एंटर हुए हैं, तो साथ ही साथ अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना शुरू कर लें, बिल्कुल भी ये कोई मुश्किल काम नहीं। जिस तरीके से एक बच्चा जो है वो जब जिस भी घर में पैदा होता है, वहां पे जो वो जबान सुन रहा होता है, तो वो उसी को बोलना जो है वो शुरू कर देता है, इसी तरीके से आप भी अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी ऐसा ऐसा इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाए। सही, कुछ मेन टिप्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें, तो आप अपनी इंग्लिश को जो है वो अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, इज द लाइक लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। लिसनिंग का मतलब ये है कि सुनना। ठीक है, कोई भी जबान है, कोई भी जबान है, उसको सीखने में सबसे पहली चीज ये है कि आप उसको सुने। ये मैं अगर आपको एक जनरल रूल भी बताऊं, तो आपको पता है जब तक आप सुनते नहीं हैं आप बोल नहीं सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि जो भी बच्चा पैदाइशी तौर पे सुनने के काबिल नहीं होता, या उसके अंदर सुनने की सकत नहीं होती है, ठीक है, वो बहरा होता है, सुन नहीं सकता, तो अल्टीमेटली वो बोल भी नहीं पाता। बहुत रेयर केसेस में है कि कोई स्टूडेंट कह रही हूँ सॉरी, कोई बच्चा जो है वो बोल सके। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बोलने से पहले का जो स्टेप है बेसिकली वो है सुनना।
ठीक है, इसी तरीके से अगर हम उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करें, अगर आपने जो है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो इंग्लिश को सुनना शुरू कर दें। अब आप वो सुन किसी भी सूरत में सकते हैं, ठीक है, आप जो है वो मूवीज अगर देखते हैं वहां पे अगर आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप उसको सब टाइटल्स को ऑन कर लें, आपको नहीं समझ आती, नीचे लिखा हुआ होता है आपको वहां से समझ आ जाएगी, आप सुनना शुरू करें, ठीक है। आप सॉन्ग्स में सुन सकते हैं, इवन हमारे पास जो है वो आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, आप कोई भी आर्टिकल है उसका वॉइस ओवर जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है, आप उसको ट्रांसलेट करते हुए सुन सकते हैं, आपको डिफरेंट एप्स है वो बता देती हैं कि आपने किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। तो जिस तरीके से आप सुनना शुरू करेंगे, सुनते 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 आपके अंदर वो बोलने वाली कैपेबिलिटी भी जो है वो आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इंग्लिश को सुनना शुरू करना। आप सॉन्ग्स में सुन सकते हैं, आप मूवीज में सुन सकते हैं, आप जो ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल होती हैं उनको सुन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज रीड रीड एंड रीड, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो हो गया कि आपने सुन लिया, दूसरा ये है कि आपने रीडिंग करनी, ठीक है। जब आप रीड करते हैं, ना सिर्फ आपकी आंखें इन्वॉल्व होती हैं उस चीज में, आपका माइंड इन्वॉल्व होता है उस चीज में, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग करने से एक तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है, सही है, आपको कोई मुश्किल लफ्ज जो है वो मिलता है, आप फौरी तौर पर उसको रिसर्च कर लेते हैं, उसका मतलब जो है वो ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा जो है वो आपकी बोलने की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होती है, ठीक है। जब आप रीड कर रहे हो तो आपको ये पता लगता है कि अच्छा ये लफ्ज है, इस तरीके से बोलना होता है, वो चीज जो है ना वो आपके अंदर एक फ्लो पैदा कर देती है। सो पहला स्टेप है लिसनिंग यानी कि सुनना, और दूसरा स्टेप क्या है, रीडिंग, ठीक है। जितना ज्यादा रीड कर सकते हैं उतना ज्यादा रीड करें, कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्जी की कोई स्टोरी बुक रीड कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की जो स्टोरी बुक्स होती हैं आप उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर रीड करना पसंद है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा लें उसको आप रीड कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको पसंद है आप रीड कर सकते हैं, सही है। थर्ड वन इज एक्सप्लोर न्यू वर्ड्स एंड यूज इन डेली लाइफ। अब आपने क्या करना है कि आपने रोज का अपना एक रूल बना लेना है कि आपने 4 से 5 वर्ड्स, ठीक है, या जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपने डिक्शनरी के थ्रू या फिर आपने जो है वो वैसे ही इंटरनेट ऑनलाइन जो है वो इंटरनेट पे रिसर्च कर लेनी है, ठीक है, कि आपको जो है वो डेली लाइफ के कुछ न्यू वर्ड्स एक्सप्लोर करें 4 से 5, उसके जो है वो मीनिंग्स को देखें और उसके बाद उसको डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपने कोई बहुत ही हाई फाई इंग्लिश या बहुत हाई फाई किस्म की जो है वो वोकैबुलरी के वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। जो कॉमनली लफ्ज इस्तेमाल होते हैं लेकिन आपको नहीं पता, आप उनको जो है वो सर्च करें और उसके बाद क्या करें, उसको आहिस्ता 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 अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करना शुरू करें। आपको उस वर्ड का मतलब भी कभी नहीं भूलेगा और डेली लाइफ में यूज करते करते जो है वो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। लास्ट स्टेप इज स्पीक, ठीक है। आपने सुन भी लिया, आपने रीडिंग भी कर ली, आपने न्यू वर्ड्स भी फाइंड आउट कर लिए, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी, ठीक है। आपका रिटन एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा लिखना जान लेंगे, लेकिन आप जब तक बोलेंगे नहीं तो आपको बोलना किस तरीके से आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगी। कल को आपने किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो आप कैसे बोलेंगे। अब देखें यहाँ पे ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें अंग्रेजी आती होती है, हमें उसके सारे लाइक ग्रामर वगैरह के रूल्स जितने भी होते हैं वो हमें पता होते हैं, हमें लफ्ज पता होते हैं, लेकिन जब हमें किसी के सामने इंग्लिश में बात करनी पड़ जाती है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो घबरा जाते हैं और हमारी जबान लड़खड़ा जाती है, हमसे नहीं बोलने हो रहा, क्यों, क्योंकि आपने उसकी पहले प्रैक्टिस नहीं की होती, सही है, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, आप उसको बोलते नहीं। अगर आपको किसी के सामने बोलने में झिझक आती है, इट्स ओके, आप मिरर के सामने बोलना शुरू कर ले, आप कहीं अकेले बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, आप जो भी सिनेरियो सोच रहे हैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर, ठीक है। लेकिन बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आप बोलेंगे नहीं आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो है, जब व्हेन आई वाज इन माय लाइक प्राइमरी सेक्शन, यू कैन से 6, 7, 8 की बात है, तो हमारी इंग्लिश की टीचर ने ये एक्टिविटी रखी हुई थी कि कोई भी इंग्लिश के पीरियड में, वैसे भी व्हेन आई वाज इन स्कूल तो हमारे स्कूल में ये चीज थी कि इंग्लिश के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस रहा, सही है, लेकिन जो स्पेसिफिकली हमारी इंग्लिश की मैम थी उनका ये रूल था कि भाई मेरे पीरियड के अंदर कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, इंग्लिश ही बोलनी है। उसके लिए जो है वो उन्होंने मॉनिटर भी रखी हुई थी और वो जो है वो देखती थी कि कोई बंदा अगर उर्दू बोलेगा या कोई और लैंग्वेज बोलता भी है तो उसके ऊपर जो वो फाइन लगेगा,
सही है, सुशी सर के। और इतना वो फनी सिनेरियो होता था, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे तो नॉर्मली उर्दू में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करना होता है कि आपको जो है वो इंग्लिश में ही बात करनी है। तो अगर हमारी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं भी थी तो हम टूटे फूटे अंदाज में जैसे भी है बट आपस में जो है वो इंग्लिश बोल रहे होते थे। तो आप यही चीज खुद भी अपने बच्चों में भी ये चीज इंकलकेट कर सकते हैं कि आप जो है वो आपस में इंग्लिश बोलेंगे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम कहीं उर्दू को डोमिनेट करने वाले, नो, सिर्फ इसलिए कि जहां जहां नौकरी में या काम में हमें जहां जहां अंग्रेजी की जरूरत है हमें एटलीस्ट इतनी आती हो, तो उसकी वजह से हम लोग कभी भी पीछे ना आ जाए, ठीक है। उर्दू तो हमें आती है और आनी चाहिए भी, हमारी मदर लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, अगर हमें वही नहीं आती तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। लेकिन आपको आपने इंग्लिश को सिर्फ सिर्फ एज अ लैंग्वेज लेना है कि ये एक लैंग्वेज है, ये मुझे सीखनी है, अगर मैं सीखूंगी तो मैं या सीखूंगा तो मैं लाइफ में जो है वो आगे बढ़ सकता, ठीक है। सो दीज वर फ्यू थिंग्स विच आई रियली वॉन्ट शेयर विद यू गाइज, कि आप जो है वो इनको फॉलो करें एंड इनशाला यू विल सी द रिजल्ट, ठीक है। मैंने पर्सनली इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूलिंग और योर अपब्रिंगिंग एंड योर इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, ये सब चीजें भी थी, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो है ना वो और ज्यादा इंप्रूव होती है। लाइक अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे कभी झिझक नहीं आई अंग्रेजी में बात करने की। आई यूज टू बी अ डिबेटर इन माई कॉलेज लेवल, इन माई स्कूल लेवल, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी डिबेट्स वगैरह इंग्लिश में कर रखी है, बट जब मैंने कॉलिंग का सेक्शन स्टार्ट किया था आई वॉज नॉट नर्वस रिलेटेड टू दिस थिंग के आई वॉज नॉट नर्वस अबाउट दिस थिंग के बेसिकली मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो मैंने कर ली। लेकिन जैसे जैसे जो है वो मैंने कॉल्स करना शुरू की शुरू की शुरू की, आहिस्ता 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 तो मैंने और ज्यादा इंप्रूवमेंट महसूस की, और ज्यादा मैंने अपने एक्सेंट में चेंज महसूस किया, और ज्यादा मैंने अपने वोकैबुलरी में अपने अंदाज में चेंज महसूस किया। और ये अंदाज वगैरह में चेंज जो है वो किस तरीके से आया, ये इसी तरीके से आया कि जब आप मुख्तलिफ लोगों की बात सुनते हैं, उनके अंदाज को सुनते हैं, तो आहिस्ता 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 कहीं ना कहीं जो है उसको खुद भी अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके एक्सेंट को, आपके अंदाज को, आपके मिजाज को बहुत ज्यादा बदलती है। अगर वो कोई नया लफ्ज इस्तेमाल कर लेते थे वो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक कर जाता, और नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जो है फिर मैं भी उस वर्ड को यूज करती थी। सो आई होप सो कि दिस वीडियो, दीज सजेशंस विल गोना हेल्प यू, ठीक है। आप लोग जरूर इसके ऊपर काम करें, जरूर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, क्योंकि तो ये चीज इस फील्ड में, स्पेशली अगर आप फ्रीलांसिंग के फील्ड में, तो बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।